गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, KDRS स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक की एक्सरसाइज 16.5 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 का अध्ययन किया था और कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे हमने महत्वपूर्ण। और आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 16 यानी विविध प्रश्नमाला 16 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका कि दो घटनाएं ए तथा बी परस्पर स्वतंत्र कहलाती हैं। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। नंबर फर्स्ट पी ए इक्वल पी बी, नंबर सेकंड पी ए प्लस पी बी इक्वल वन, नंबर थर्ड पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल वन माइनस पी ए इंटू वन माइनस पी बी, और चौथा ऑप्शन है ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं। तो हम देखें कि स्वतंत्र घटनाओं की जो कंडीशन है वो क्या है हमारे पास, कि दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। तो यदि घटना ई तथा एफ स्वतंत्र है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है। अब इन्होंने ऑप्शन दिया है हमें, फर्स्ट ऑप्शन कि यदि दो घटनाएं स्वतंत्र हो तो क्या पहली घटना की प्रायिकता दूसरी घटना के बराबर होगी? नहीं, कभी नहीं होगी, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा दे रखा है कि दोनों घटनाओं का योग एक हो सकता है, ये भी आवश्यक नहीं है कि हमेशा ही एक हो। तीसरा दे रखा है, उस ऑप्शन को हम टैली करते हैं जो तीसरा ऑप्शन है इसका, कि दे रखा है आपको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गे का जो ऑप्शन है पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल वन माइनस पी ए इंटू वन माइनस पी बी। इसे यदि हम हल करके देखें तो क्या मिलता है हमें, वन माइनस पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए डैश, और वन माइनस पी बी को पी ऑफ बी डैश ये। अब हम देखें कि दो घटनाएं यदि गुणा हैं तो यहाँ से क्या मिल गया, इस प्रकार से पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। तो दिस इम्प्लाइज क्या मतलब निकल गया कि देखिए आप, स्वतंत्र घटनाओं की कंडीशन क्या है कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यानी दो घटनाएं दोनों के अलग अलग गुणनफल के बराबर होती है। तो जैसे ये यहाँ भी यही कंडीशन है, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिल गया कि ए डैश तथा बी डैश स्वतंत्र है, और जब यदि ए डैश और बी डैश स्वतंत्र है तो ए तथा बी भी स्वतंत्र होगी, बी स्वतंत्र है। अतः सही ऑप्शन क्या हो गया, अतः आंसर हो गया आपका गे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कि पासों के एक जोड़े को उछालने पर। तो परीक्षण है यहीं पर हमें मिल रहा है इस प्रश्न में, पासों के एक जोड़े को उछालना परीक्षण हो गया हमारा।
पासों के एक जोड़े को उछालना, तब समष्टि क्या बनेगी, कौन कौन से परिणाम होंगे, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ऐसे ही 2,1 से लेकर 2,6 तक, ऐसे ही 3,1 से लेकर 3,6 तक, ऐसे ही 4,1 से लेकर 4,6 तक, 5,1 से लेकर 5,6 तक, और 6,1 से लेकर 6,6 तक। तो पासों के जब हम एक जोड़े को उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम हो गए 36। कुल संभावित परिणाम 36। आगे क्या लिखा है प्रश्न में, प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य अंक आना, ये घटना क्या है हमारी, घटना ई प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य अंक आना, प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य अंक आना। तो ई में कौन कौन से संभावित परिणाम होंगे, प्रत्येक पासे पर मतलब पहले पासे पर भी और दूसरे पासे पर भी, सम का मतलब 2, 4, 6, 8, अभाज्य जिसमें किसी और का भाग नहीं जावे, तो ऐसा केवल दो ही है एक अंक जो सम भी है और जिसमें किसी अन्य का भाग नहीं जाता, अभाज्य भी है, तो कौन सा परिणाम होगा, केवल और केवल 2,2। 2,2 ही एक ऐसा संभावित परिणाम है इस घटना के अकॉर्डिंग जो जिसका प्रत्येक अंक सम भी है और अभाज्य भी है। अब हम इसकी प्रायिकता निकालनी है हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1, और कुल परिणाम कितने हैं, 36। तो ये आंसर आ गया आपके पास 1/36। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है 1/36 गए, अतः इसका जो आंसर है वो गए है, और ये आपका आंसर क्या था प्रश्न, पासों के एक जोड़े को उछालना, तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य अंक आने की संभावना हमसे पूछी है, तो पासों के जब हम एक जोड़े को उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम 36 बनेंगे, और प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य, सम भी होना चाहिए अभाज्य भी होना चाहिए, प्रत्येक पासे मतलब दोनों पासों पर, तो ये दोनों पासों पर सम और अभाज्य अंक आ गया, और अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 36। तो ये इसकी इस घटना की प्रायिकता आ गई 1/36 जो ऑप्शन में है गए। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ, अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीसरा सवाल क्या है जो बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है, यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी ऐसी घटनाएँ हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल 0, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है,
तो सबसे पहले तो हम बात करें कि जो कंडीशन दी है उनके आधार पर क्या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हम। तो कंडीशन पहली है इसमें, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये दे रखी है हमें, दिया है। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब ए के सभी ए उपसमुच्चय है बी का, और ए उपसमुच्चय है बी का इसका मतलब ए के सभी अवयव बी में मौजूद है। तो हम इस आधार पर क्या निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का कॉमन, ए और बी का कॉमन ए के सभी अवयव बी में हैं, तो इसका मतलब ए और बी का कॉमन ए ही हो जाएगा। तो ए और बी का कॉमन ए हो गया। दोनों तरफ प्रायिकता के चिन्ह ले लिए हमने, ठीक। अब बी का भाग दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमारे पास बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमें जो दूसरी कंडीशन दे रखी है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान हम निकालने जा रहे हैं इसके माध्यम से। ये समीकरण, ये कंडीशन दी हुई थी, ये हमने प्राप्त कर ली है। अब दूसरी कंडीशन दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल जीरो। दिस मीन्स हम जानते हैं किसी भी घटना की प्रायिकता या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है या जीरो से वन के मध्य हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जीरो इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन वन। तो जीरो हो सकती है लेकिन यहाँ नॉट इक्वल जीरो दे रखा है, तो जीरो के लिए यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब यहाँ से जो समीकरण दो है उससे मान रख दीजिए, दो से मान रखने पर, दो से मान रखने पर जीरो इज लेस देन पी ए अपॉन पी ऑफ ए अपॉन बी इज लेस देन इक्वल वन। तो यहाँ पर दो असमीकरण बन जाती है, जीरो इज लेस देन पी ऑफ ए अपॉन बी तथा पी ऑफ ए अपॉन बी इज लेस देन वन। अब हमें जो चाहिए ऑप्शन के मुताबिक, हमें ये वाली चाहिए पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ ए अपॉन बी इज लेस देन इक्वल वन। फिर हम देखें कि क्या कर सकते हैं हम, इसमें ऑप्शन में आ रहा है उसको देखें, पी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल पी ऑफ ए अपॉन बी। आप कैसे भी समझें इस चीज़ को, चाहे तो आप समझ सकते हैं कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्चुअली होता ऐसा नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, समान धनात्मक संख्या का भाग दोनों पक्षों में या समान धनात्मक संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी भी एक वास्तविक संख्या ही होती है, तो या पी ऑफ ए अपॉन बी से जब गुणा करेंगे दोनों पक्षों को तो ये स्टेप आएगा आपके पास, लेफ्ट साइड से कट जाएगा और राइट साइड में आ जाएगा। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन इक्वल पी ऑफ ए। देखिए आप बड़ा कौन है, पी ऑफ ए अपॉन बी, तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ये हमको इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिल रहा है, खैर कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन मिल गया आपको खैर।
ये आपका आंसर। तो एक बार फिर टैली करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से, हालांकि वो एक ही नंबर का क्वेश्चन है लेकिन आ जाए तो फिर हमें करना पड़ता है। तो क्या है क्वेश्चन कि हमें दो कंडीशन दे रखी है, एक ए इज सबसेट ऑफ बी और एक बी की प्रायिकता इज़ नॉट इक्वल जीरो। तो हमें करना क्या है कि ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब ए उपसमुच्चय है बी का, यानी ए के सभी अवयव बी के हैं, ए के सभी अवयव बी में हैं, तो इसका मतलब ए और बी में से कॉमन लेंगे तो ए आ जाएगा। फिर हमने पी ले लिया दोनों पक्षों में, फिर पी बी का भाग दिया दोनों पक्षों में, ये इसका ये सूत्र सहप्रतिबंध प्रायिकता से बन गया और यहाँ से पी बी का मान निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि दूसरी कंडीशन पी बी की दे रखी है और पी बी हम मान जानते हैं किसी घटना की प्रायिकता जीरो से बन के मध्य और जीरो या बन हो सकती है। तो यहाँ जीरो तो नॉट इक्वल है इसलिए जीरो पर इक्वल का चिन्ह हटा देंगे। फिर समीकरण दो से पी बी का मान रख दिया, फिर यहाँ से दो असमीकाएँ बनी जिनमें से हमें एक आगे बढ़ानी है क्योंकि ऑप्शन के मुताबिक इसी का आंसर आ रहा है। तो यहाँ से आगे बढ़े तो हमने यहाँ फिर मैंने अभी अभी बताया था समान संख्या, समान धनात्मक संख्या से गुणा या समान धनात्मक संख्या से भाग कर सकते हैं। यहाँ गुणा की आवश्यकता पड़ रही है, पी ऑफ ए अपॉन बी से दोनों पक्षों को गुणा किया तो लेफ्ट साइड से कट जाएगा और राइट साइड में रह गया। अब यहाँ देखें कि बड़ा कौन है, पी ऑफ ए अपॉन बी, तो पी ऑफ ए अपॉन बी को पहले लिख दिया और पी को बाद में, यही ऑप्शन हमें दे रखा है दूसरे ऑप्शन में। तो ये खे हमारा इस प्रकार से आंसर आ गया। ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। हाँ जी, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर फोर। तो फोर हमारा क्या है, पहले हम एक बार इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से, तो ताश की एक गड्डी है जिसमें पत्तों की संख्या है 52। तो पहले तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते, बावन और इक्के कितने होंगे, इक्को की संख्या 4। अब आगे क्या लिख रहा है, ताश की गड्डी में से दो पत्ते निकाले जाते हैं। तो दो ताश, ये परीक्षण हो गया हमारा, ताश की गड्डी में से दो पत्ते निकालना। ताश की गड्डी में से दो पत्ते एक साथ निकालना, ये परीक्षण हो गया। और कैपिटल एक्स इक्को की संख्या को व्यक्त कर रहा है, कैपिटल एक्स इक्को की संख्या को व्यक्त करता है, तब एक्स के संभावित मान कौन कौन से होंगे। पहले पिछले वीडियो में इस प्रकार का टॉपिक आया था, याददक्षिक चर का मानक विचलन वाले टॉपिक में। तो हम कहें कि ताश की गड्डी में से जब दो पत्ते खींचें तो वो ये दोनों पत्ते या तो इक्के हो सकते हैं, या दोनों में से एक पत्ता इक्का हो सकता है, या दोनों में से एक भी पत्ता इक्का नहीं होगा। इस कंडीशन में इक्को की संख्या दो हो सकती है, एक हो सकती है या जीरो। तो एक्स के संभावित मान 0, 1 और 2 होंगे। और अब हम देखें इसका प्रायिकताएं, P
पी ऑफ एक्स इक्वल जीरो। एक्स बराबर जीरो का मतलब एक भी सफलता हाथ नहीं लगी इसे, यानी पहली बार दो पत्ते खींचे दोनों ही इक्के नहीं हैं। इक्के इक्के को हम कह सकते हैं किंग, इक्के को क्या कह दें, के कह दो, किंग। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के डैश के डैश। दोनों ही पत्ते बादशाह नहीं हैं, सॉरी इक्के नहीं हैं, किंग। इक्के के लिए हम क्या लें सिंबल, इक्के के लिए, हाँ जी, तो ये इक्के के लिए हम के की बजाय क्या लें, ए ले लो, क्योंकि के हम जो सिंबल है वो किंग के लिए है, बादशाह के लिए। तो ये ए डैश और ए डैश, तो जो दो पत्ते निकाले वो दोनों ही इक्के नहीं हैं। इक्के नहीं हैं तो इक्के कितने, इक्के कितने, चार, तो इक्के नहीं की प्रायिकता, दो पत्ते जो हम निकालेंगे वो इक्के नहीं होने चाहिए। तो हम कितने बचे बिना इक्के वाले, 48। तो 48 में से दो निकाल लो, 48 में से दो पत्ते अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम 52 में से दो, ये आ गया, ये आ गया। 48 में से जब हम दो पत्ते निकालेंगे तो वो इक्के नहीं होंगे, क्योंकि ये चार हटा दिए इक्के वाले, और कुल परिणाम के गड्डी में से जब 52 में से जब दो पत्ते निकालोगे तो 52 सी 2। अब इसे सॉल्व कर लें, फैक्टोरियल 48 अपॉन फैक्टोरियल 46 इंटू फैक्टोरियल 2, और ये हो गया फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये देखिए आप, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, और फैक्टोरियल 48 इंटू 47 इंटू फैक्टोरियल 46, और बटे में है ही आपका फैक्टोरियल 46। ऐसे ही नीचे 52 इंटू 51 इंटू फैक्टोरियल 50 और अपॉन में फैक्टोरियल 50। तो फैक्टोरियल 46 से फैक्टोरियल 46, फैक्टोरियल 50 से फैक्टोरियल 50, और 48 ये कट रहा है कितने से, 4 से कट रहा है, तो ये 12 बार, और ये 4 से 13 बार, फिर 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, और ये 3 से 17 बार। तो अब ये आया आपके पास 4 × 47 बटे 13 × 17, तो ये 4 × 7 = 28, 4 × 16 और 2 = 18, और ये हो गया 17 × 3 = 51, 5 × 17 = 17 और 5 = 22। तो ये आ गया एक तो आपके आंसर। फिर दूसरा निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 1। एक्स बराबर 1 का मतलब दोनों में से एक पत्ता इक्का है, तो दोनों में से एक पत्ता इक्का है, तो इसका मतलब, और एक कैसा होगा, एक इक्का नहीं, तो इसका मतलब 48 में से तो एक पत्ता निकाल लो और 4 में से एक पत्ता निकाल लो, और कुल परिणाम 52 सी 2, तभी जाके होंगे 1 और 1 2। तो ये हो गया एन सी 1 का मान, हम 48 जानते ही हैं, 48 × 4, और 52 सी 2 का फैक्टोरियल ये निकाला है हमने, 52 × 51 आया इसका मान, अब फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 50 × फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को चाहे हम ऊपर पहुंचा दें तो वो 2 बन के निकल जाएगा, 48 × 4 × 2, और नीचे रह जाएगा 52 × 51, 50 कट जाएगा,
और इनटू चाहे लिखना चाहे तो फैक्टोरियल 50 इनटू फैक्टोरियल 50, ये कट गया। अब ये काटें इससे, ये 4 से कट गया 12 बार और ये 4 से 13 बार, और फिर ये 3 से 3 × 12 ये 17 बार, ठीक। और ये आ गया आपके पास 4 × 16 = 32/221, ये इसका हो गया। अब पी ऑफ एक्स बराबर 2 का मतलब दोनों ही पत्ते इक्के हैं, तो इक्के निकाल लें दोनों ही, तो वो 4c2 हो जाएगा और 52c2, तो 4c2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और 52c2 फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 2, ये कट गया। यहाँ से रह गया 4 × 3 इंटू फैक्टोरियल 2, यहाँ से रह गया 52 × 51 इंटू फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 50, ये कैंसिल, और काटेंगे तो 4 से कट गया ये 13 बार, ये 3 से कट गया 17 बार, तो ये आ गया 1/13 × 17 = 1/221। तो ये प्रायिकताएँ आ गई सबकी। और हमसे क्या पूछा इसमें, एक्स का माध्य, माध्य मतलब म्यू, तो म्यू माध्य, म्यू बराबर सिग्मा एक्स आई पी आई, आई इक्वल 1 से 3, 3 मान हैं हमारे पास, X1P1, X2P2 और X3P3। X1 का मान 0, P1 का मान 188/221, X2 का मान 1, P2 का मान 32/221, X3 का मान 2 और P3 का मान 1/221। ये 0 हो गया, ये आ गया 32/221 और ये 2/221, तो आंसर आ गया 34/221। तो 34 को आप क्या लिख सकते हो, 34 को लिख सकते हो 17 × 2, और ये आ गया 13 × 17, तो 17 से 17 कैंसिल, और क्या आ गया 2/13 माध्य। देखें हम 2/13, अतः ऑप्शन में क्या आ जाएगा, आंसर आ गया आपका, अतः 2/13 का मतलब चौथा ऑप्शन घे घड़ी, ये आपका आंसर। एक बार फिर टैली कर लें हम इस प्रश्न को। ताश की एक गड्डी है जिसमें 52 पत्ते हैं और 52 पत्तों में से इक्के हैं 4, इक्के को हमने ए से व्यक्त किया है। परीक्षण, ताश की गड्डी में से 2 पत्ते एक साथ निकालना, एक साथ खींचे जाते हैं, तो इक्कों की संख्या का माध्य हमसे पूछा है, इक्कों की संख्या का माध्य हमसे पूछा है। तो दोनों पत्ते या तो इक्के हो सकते हैं, दोनों में से एक हो सकता है या एक भी नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में एक्स के संभावित मान 0/2। 0 पर दोनों ही पत्ते इक्के नहीं हैं, तो इक्के कम नहीं होंगे, जब शेष 48 में से 2 पत्ते निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम 52c2। हल हम सूत्र की सहायता से कर सकते हैं, और इसको हल किया तो ये आया 188/221। फिर x बराबर 1 का मतलब दोनों पत्ते जो हमने खींचे हैं उनमें से एक पत्ता तो इक्का है और एक इक्का नहीं है, तो एक तो हो गया, 4 में से एक लेंगे तो वो तो इक्का, और 48 में से एक लेंगे वो इक्का नहीं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 32/221। तीसरा, x बराबर 2 पर प्रायिकता, x बराबर 2 का मतलब दोनों जो पत्ते हमने खींचे हैं वो दोनों ही इक्के हैं, तो इक्के कब होंगे, जब हम 4 में से निकालेंगे, तो अनुकूल परिणाम 4 में से 2, 4c2, कुल परिणाम 52c2। हल किया, हल करते हुए आया 1/221। माध्य का हमारा फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई, आई का मान 1 से लेकर 3, आई का मतलब कितने मान हैं यहाँ पर, 3, तो 1, 2, 3, X1P1, X2P2, X3P3, X1 का मान 0, X2 का मान 1, X3 का मान 2, P1 का मान
ये निकाला 188/221, P2 का मान 32/221 और P3 का मान 1/221। टैली करेंगे तो ये हो जाएगा 34/221, काट करके आया 2/13, जो कि ऑप्शन में दे रखा है चौथा ऑप्शन। तो इसका मतलब घे आंसर इसका हो गया। और इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रोबेबिलिटी टॉपिक के इस एक्सरसाइज 16 के नेक्स्ट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।